200 गज के बाद टीला है, टीले के पास से टर्न करेंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे बेस कैंप, ठीक है? थोड़े पांव जल्दी चला ले राघव जोशी। अपना सामान खुद उठा लेते तो भाग भी लेता। असिस्टेंट मैनेजर को कुली बना दिया इन लोगों ने। आप लोग कौन है ऐसे? हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य और ये बेताल। बेताल? विक्रम का बेताल। लो संभालो इसे। ये क्या मजाक है? मेरे मेरे कंधे पर क्यों डाल दिया इसे? बहुत भारी है ये, मैं उतार रहा हूँ इसको नीचे। जमीन पर मत रखना इसे, नहीं तो तुम्हारे शीश के वो क्या कहते हैं आजकल सर, सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। धैर्य रखो, हम आते हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे आप? अरे रुकिए, अरे राजा विक्रम रुकिए, ये क्या लाद गया मेरे कंधों पे? ओ भाई उठो, अरे रुकिए राजा विक्रम, अरे सुनो, अरे कहाँ चला गया, क्या डाल गया मेरे कंधे? अरे भाई साहब क्या नाम बता? बेताल, अरे बेताल उठो उठो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ओ राघव इधर, टीले पे आने को कहा था ना, यहाँ क्या कर रहे? अरे सर आप लोगों को मेरे कंधे पे ये बैग थे ना, इधर गए? बैग थे सर, बैग तो वो ये जूनियर्स भी ना एक बैग भी नहीं संभाल सकते, इतने में पस्त हो गए? नहीं सर आप चल 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 ऑफिस में मिलते हैं। अरे सर मिल तो सर, ये बाहर मेरे कमाल है, किसी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या चक्कर है ये? ओ, ओ, क्या पड़ गया गले? साहब, 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 क्या आपके पीछे है ये? तुम्हें मेरे कंधे पे ये दिखा? हाँ, आपके कंधे पर मिट्टी लगी हुई है। हाँ, मिट्टी के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा? हाँ? नहीं साहब, कितनी गंदी हो रही है शर्ट, बहुत मिट्टी लगी इस कंधे पे भी लगी हुई है, जाइए मैडम से धुलवा लीजिए जल्दी से। काम करो जाके। साहब की चाल को क्या हुआ? भी कुछ दिख तो रहा नहीं होगा? दिख रहा है। क्या दिख रहा है?
सिलाई उधड़ रही है तुम्हारे कंधे की। क्या ऑफिस में सामान भी उठाने लगे हो अब तुम जूनियर ही बने रहना हमेशा। अरे जूनियर वूनियर नहीं हूं मैं, वो ऑफिस में ट्रैकिंग थी तो सामान उठाना पड़ता है अपना भी और सीनियर्स का भी। ये भी रिकी, रिकी बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा। तुम्हें तो मेरे ये कंधे पे कुछ दिख रहा होगा ना? हाँ दिख रहा है। दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताओ। आपकी शर्ट गंदी हो गई है, मम्मी शर्ट धो देगी। रिंकी। हाँ आती हूँ। छोड़। अरे छोड़ क्यों नहीं रही है? कितने घर्राटे लोगे मेरे कान में। उठो, उठ, उठ। उठ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन खिलाओ। खिलाओ मतलब शादी में आए अंकल? अरे सर मेरे कंधे से नीचे उतरी है, मेरे कंधे तोड़ दिए आपने, उतरी नीचे। अरे अरे क्या सर पे लगा रखा तुमने? हाँ देखो मेरा स्थान तुम्हारे कंधे पर है, जमीन पर नहीं। देखो जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, और अब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुफा को भी खा जाऊंगा। अरे अरे ये गुफा लग रही है, अरे वो पीछे स्विमिंग पूल गुफा में होता है, इतना बड़ा घर है गुफा। और हेलो वो जो आपके फ्रेंड है ना, वो राजा विक्रम, जबरदस्ती तुम्हें मेरे कंधे पे लाद गया। तो लाद गया? निकृष्ट बालक ये क्या कह रहा है? बेताल हूँ बेताल, विक्रम का बेताल। अपना ही नाम बोल के हंस रहा है, जोक मारा है क्या, कोई मजाक किया? उतरो यार मेरी पीठ से। मानव विक्रम बहुत ही चतुर है, अद्भुत है, बेहद चतुर है वो। हजारों वर्षों से मुझे वो अपने कंधे पर जंगलों में घुमा रहा है, बहुत थक गया, पक गया, और फिर उसे एक गधा मिला, उसके कंधे पर लाद दिया। Excuse me? गधा कौन? मतलब क्या है? मतलब मूर्ख वो तू है, तू खुद। अच्छा बहुत सही। अच्छा अगर तू बेताल है और वो विक्रम, तब तो फिर हो गया ना। मैं बोला तू उड़ा, विक्रम ने मुंह खोला तो तुझे उड़ जाना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो उड़ जा, छोड़ना मुझे। उड़ जाऊंगा, जरूर उड़ जाऊंगा, लेकिन मूर्ख तेरे कहने पर नहीं, विक्रम के कहने पर उड़ूंगा। विक्रम बोलेगा तो उड़ूंगा, तू तो फटीचर है फटीचर। और हाँ विक्रम ने तो तुझसे कहा ही होगा कि जहाँ तूने मेरा सर जमीन पर रखा, सर तेरा फटा। और एक बार मैं पूछता रहूंगा तुझसे पहेली, तू देगा उसका ठीक ठीक जवाब। तुले ये रही मेरी पहली पहेली। व्हाट पहेली? व्हाट पहेली? काली बिल्ली का देखना कब अपशगुन होता है? क्या काली बिल्ली, क्या अपशगुन, मुझे नहीं पता इसका जवाब। मुझे पता है जवाब, चूहे होते हैं। क्या? छोड़ मुझे। अब इसका परिणाम भुगत। मेरी घड़ी का, मेरी घड़ी वापस कर। मैं समय समय पर पूछता रहूंगा पहेली, अगर नहीं दिया जवाब तो होगा तेरा नुकसान, जैसे कि गई एक घड़ी। मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, मेरी घड़ी वापस कर दो, मैंने पूरी सैलरी देके ली थी पूरे महीने की, प्लीज वापस कर दो प्लीज। अब तो वो घड़ी गई, गई तो गई, अब दोबारा लौट कर नहीं आएगी। चल पूछता हूँ तुझसे एक और पहेली, बता बालक। मेरा नाम राघव है। अरे राघव हो या भार्गव, चल बता वो कौन सी चीज है जिसे हम जितना ज्यादा लेते हैं वो उतना पीछे छूटता जाता है। ठीक है बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अब जितना ज्यादा लेते हैं पीछे छूटता जाता है। सांस, दम, 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 दम। कदम। बेवकूफ
कदम स्टेप्स। अंगूठी अच्छी है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी शादी की अंगूठी है। ये गलत है बेताल। देखिए बेताल अंकल, ये गलत है। मेरी अंगूठी, अरे मेरी अंगूठी, ये शादी की अंगूठी थी। देखिए ये गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है ये। दुनिया में कुछ सही गलत नहीं होता, केवल परिणाम होते हैं, अच्छे या बुरे। अरे राघव, क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अभी तक? अपनी हालत देखो, भूत लग रहे हो तुम। भूत लग नहीं रहा हूं, भूत लग गया है। सुंदर है, मैं रख लूं? चुप कर। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। उठ जा राघव, उठ जा, भोर हो गई। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। उठ जा राघव, भोर हो गई है। बता राघव, हफ्ते के 7 दिनों में से कोई भी 3 दिनों के नाम पता, वो भी बिना नाम लिए। वो, अरे कैसे जवाब दूं मैं, 3 दिन कैसे बताऊं, वो भी बिना नाम लिए। ऐसा तो कल, आज और कल। कोई नाम थोड़ी हुए बेताल तुम। ये इतना सुंदर चित्र है। नहीं बेताल, बेताल वो नहीं, वो नहीं। ये क्या क्या, ये रीना की फेवरेट पेंटिंग थी। बेताल क्या किया तुमने? मॉर्निंग, आज तो बड़ा सुबह सुबह उठ गए तुम। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। अरे राघव, मेरी फेवरेट पेंटिंग कहाँ गई यहाँ से? हाँ अब रीना, पेंटिंग यहाँ थी, कहाँ चली गई पेंटिंग? तुम्हारी वेडिंग रिंग कहाँ है राघव, कहाँ गई वेडिंग रिंग? ओ वेडिंग रिंग, वो वेट लॉस किया ना मैंने, तो स्लिप हो गई होगी, फिंगर पतली हो गई ना। स्लिप हो गई? हाँ सच्ची। राघव गिर गई या तुमने किसी को दे दी? नहीं। चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में आजकल? कैसी बातें कर रही हो तुम रिया? हाँ कुछ भी मतलब, क्या बकरी हो? बकरी नहीं है, औरत है, औरत। चुप कर। अब इधर उधर क्या देख रहे हो राघव? एक वेडिंग रिंग तक नहीं संभाली गई तुमसे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाउ इररिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी बीवी तुम्हें पसंद नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं। आज भी याद है उसका पहला पहला प्यार, पहली पसंद। सुमें शिंदे 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 समय शिंदे पहला प्यार। सुमें शिंदे? तुम कैसे? आज भी याद करती हो ना उसे? राघव स्कूल का टाइम हो गया। हाँ बेटा हाँ, चलो चलो, इन्हें तो वैसे भी फालतू बकवास करने की आदत हो गई है। अब ऑफिस तो जाओगे ना? देर से जाऊंगा, लेट है आज मीटिंग। लेट क्यों जाओगे, जल्दी जाओ। देखो ऑफिस लेट जाना अच्छी बात नहीं है, तुम जल्दी जाओ। जल्दी जाओ अच्छी बात नहीं है, बुलाना उसने। किटी पार्टी है घंटे भर में, जल्दी जाओ। किटी पार्टी? किटी पार्टी है घर पे? हाँ। हाँ? तुम्हें कैसे पता? राघव इतना शक करने लगे मुझ पे कि मेरी जासूसी कर रहे हो तुम? अरे मुझे कुछ नहीं जानना और, कुछ नहीं जानना मुझे और, मैं जा रहा हूँ मैं ऑफिस। चलो। चेहरा देखकर मन की बात बता देता हूँ, दिमाग में जो चल रहा है सब कुछ बता सकता हूँ। राघव जल्दी से तैयार हो जा, सुबह सुबह मीटिंग है तेरी कृष्णन के साथ। रेडी स्टेडी एंड गो। अब
मेरी अगली पहेली। पहले कुछ खा लूं बॉस। हाँ? खाना वाना छोड़, पहले पहेली का जवाब दे। मेरी अगली पहेली, क्या है ऐसा जो तेरा है पर इस्तेमाल दूसरा करता है? पहले कुछ खा लूं, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूं। मैं खाना वाना छोड़, पहले मेरी पहेली का जवाब दे। ठीक है, क्या है ऐसा जो मेरा और इस्तेमाल कोई दूसरा करता है? वो हाँ साहब, मेरी चप्पल कभी कभी रीना पहन लेती है। गलत जवाब, तेरा नाम बेवकूफ, तेरा नाम। अरे पर रीना, रीना तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? हाँ नहीं, पता नहीं मैं गिरी कैसे। अब आगे आगे देख, होता है क्या। देखो तुम, मैं बता रहा हूँ। राघव, किससे बातें कर रहे हो तुम, फिर शुरू हो गए? वो रीना, वो मैं। क्या क्या करते रहते हो? नेहा तुम अपना ख्याल रखना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ। राघव प्रेजेंटेशन शुरू करो। तो चल बेटा राघव, जल्दी से मेरी एक और पहेली का जवाब दे। वो कौन सी चीज है जो पानी से ही बनती है पर पानी में ही खत्म हो जाती है? अरे राघव, यहाँ क्यों देख रहे हो, शुरू करो अभी प्रेजेंटेशन। हाँ राघव जल्दी से बता। शट अप, मुझे शट अप कहा तुमने? नहीं नहीं सर गलत हो गया सर, I'm really sorry सर, गलती से बोल गया। बीवी ने कुछ कह दिया क्या तुझे? बर्तन मांझ के नहीं आया घर से? फनी सर। एनफ, शुरू करो अभी प्रेजेंटेशन। सर बिल्कुल सर। राघव जल्दी से बता मेरी पहेली का जवाब। राघव चलो चलो अभी शुरू करो प्रेजेंटेशन। सर बस ऐसे ही। ओ राघव, ये तेरा बॉस का बच्चा ना मेरी पहेली के बीच में कुछ ज्यादा ही बाधा डाल रहा है, बहुत बात कर रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। क्या पूछना? क्या बात है ये बिना बात। हाँ तो चल बता। हाँ। वो कौन सी चीज है जो पानी से ही बनती है पर पानी में ही खत्म हो जाती है? पानी से बनती है, पानी में खत्म हो जाती है। गोलगप्पा। गोलगप्पा गलत। गोलगप्पा गलत जवाब। सही जवाब है बर्फ। तेरा गलत जवाब और ये हुआ नुकसान। शुरू करो प्रेजेंटेशन। अरे चुप कर, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, बात कर रहा है। सूट पहन लिया तो हीरो बन गया और क्या बन के आता है यहाँ पे, मुझे सब पता है। तेरा जो अफेयर चल रहा है ना उस उषा से, मैं बताऊंगा तेरी बीवी को। मैं अभी फोन लगाता हूँ, अभी बताता हूँ। शट अप राघव। अरे शट अप के बच्चे, चुप कर। ये सूट पहन के चोरी करता है, यहाँ की स्टेशनरी घर लेके जाता है, अपने बच्चों को बांटता है। आज देखो ग्लास भी चुप करा। चुप सर, ये क्या बोल रहा है? अरे खन्ने चुप कर, चश्मे वाले अंधे, तेरे को नहीं दिखता सर। ये नहीं कि मुझे नहीं दिखता, मुझे सब कुछ दिखता है, मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है तू हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर दूसरी कंपनी को बेच रहा है और ये चोरी कर रहा था। और डिलीवरी चाहिए क्या? और बताओ मैं तेरे को डिलीवरी चाहिए। बेताल, आज तुम्हारी पहेलियों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, आगे आगे देख, होता है क्या। कसम से बहुत मजा आएगा। तुम्हारे मजे की अभी उतार पड़ो। कपड़े को फाड़ रहे हो, वो तो फट चुके हैं तुम्हारे। निकल यहाँ से, निकल। चल 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 निकल, पागल हो गए। नौकरी चली ना, पागल हो गए। चल चल निकल। शाबाश राघव, बहुत मजा आ गया। चल अब और मजा लेते हैं, एक और पहेली पूछता हूँ। बता राघव बता, साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? बता राघव बता। अरे तेल लेने गई तुम्हारी पहेली, मेरी नौकरी चली गई, तुम्हें पहेलियों की पड़ी है, नहीं पता मुझे जवाब। अरे रे रे, तो वस्त्र क्यों फाड़ रहा है वक्त? हम है ना, हम स्वयं इसे गायब कर देंगे। ले अभुगत। क्या है, कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? क्या बताऊँ मैं। लैपटॉप बैग कहाँ है तुम्हारा राघव? बता दे इसको। कपड़े, कंप्यूटर बैग,
सब हार गए उस्ताद, बोलू तो ये सब भी। जय शराब। क्या राघव? अरे बेबी तुमसे नहीं, मैं दिमाग खराब कर दिया इसने मुझे, पागल हो जाऊंगा मैं। राघव क्या हुआ है तुम्हें? क्यों तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे हो? कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें। हाँ, प्लीज बताओ। तुम यकीन नहीं कर पाओगे। ठीक है तुम मत बताओ। तुम भी ऐसी हो। खराटों की आवाज सुन रही हो तुम? सॉरी, तुम लोग तो इसे देख भी नहीं सकते। काफी वक्त से एक भूतिया साया मेरे कंधे पे आके बैठ गया है। बेतार, ये मेरे कंधे पे। बेतार? किससे कहानियों में नहीं सुना तुमने? बचपन में टीवी पे नहीं देखा? वो विक्रम बेताल वाला बेतार, ये लटका हुआ है मेरे कंधे पे। विक्रम बेताल? राघव पागल हो गए तुम? हंसो और हंसो। और वो बेताल तुम्हारी पैंट, तुम्हारी शर्ट सब ले गया। सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं, मेरा सुख, मेरा चैन, यहाँ तक कि मेरी जॉब भी छीन ली इसने। What? हाँ, आज मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा इसकी वजह से। राघव क्या बोल रहे हो तुम? How is this possible? It doesn't make any sense, पर उस दिन जब मैं ट्रैकिंग पे गया। लो, संभालो इसे। मतलब? मतलब वो बेताल इस वक्त तुम्हारे कंधे पे बैठा है। आई कॉन्ट बिलीव दिस। सॉरी, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकती। इट डजंट मेक सेंस। ये क्या चल रहा है? दो कबूतर के चूड़े के बीच में गुटरगू गुटरगू गुटरगू, जरा हम भी तो सुने। हम खान नींद उड़ा दी मेरी। उठ गया राघव, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। बुखार लग रहा है तुम्हें? आयु, मैं टेम्परेचर लेती हूँ तुम्हारा। हाँ, ओए ये तो तुझसे भी ज्यादा पगली निकली, बेवकूफ कहीं की। बेवकूफ कह रहा है। ओके राघव, यू नीड टू रिलैक्स। ठीक है, तुम अभी कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो। कल हम डॉक्टर विकास से अपॉइंटमेंट लेते हैं, ही विल हेल्प यू। डॉक्टर विकास पागलों के डॉक्टर है, मैं पागल नहीं हूँ। राघव तुम पागल नहीं हो, बट शायद डिप्रेशन हुआ है तुम्हें। काम के प्रेशर में ऐसा हो जाता है। पागल हो गया तू? पागल बोली तुझे? पागल पहली हल कर करके पागल हो गया तू? पागल? अच्छा ठीक है, डॉक्टर कैंसिल, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। ऐसा करते हैं, फ्लाइट पे चलते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए चेंज भी हो जाएगा और विंकी भी कितने दिन से शोर मचा रही है। फ्लाइट पे चलते हैं। और मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। ये पिज़्ज़ा, यम्मी पिज़्ज़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मशरूम कॉर्न वाला पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा बहुत यम्मी था पापा, थैंक यू। राघव मुझे भी खिला देते यम्मी पिज़्ज़ा और जूस कहीं के। खा लो पिज़्ज़ा, तुम भी नौकरी तो खाई चुके हो मेरी। राघव तुम फिर शुरू हो गए। तो क्या करूं मैं? इस बेताल को पिज़्ज़ा चाहिए, बताओ। गॉड राघव, ये बेताल कुछ नहीं होता है। बेताल कुछ नहीं होता? राघव तुम्हारी बीवी को हमारे अस्तित्व पे शक है। मजा आएगा, चल पता मेरी अगली पहेली का जवाब। वो कौन सी चीज है जिस पे पंख नहीं होता फिर भी उड़ जाता है? पता राघव पता? मुझे नहीं पता, नहीं जानता मैं। सोच राघव सोच। अरे नहीं पता मुझे जवाब। जवाब नहीं तो कीमत वही, ले अब भुगत। वो हमारी गाड़ी। राघव गाड़ी कहाँ गई? अब ये तो यहीं खड़ी थी। अरे ये कैसे हो सकता है?
ये सारा इसी बेताल का किया धरा है। पहली पूछता है, जवाब ना दो तो फिर सजा देता है। थक गया हूं मैं, नहीं है जवाब तुम्हारी पहली का मेरे पास। वो राजा विक्रम मुझे मुझे क्यों फंसा के गया ऐसे? राघव, राजा विक्रम के बारे में तो मत ही बोल। विक्रम तो बहुत ही अच्छा है, निराला है। विक्रम से मुझे कभी परेशानी नहीं हुई, उसने हमेशा मेरी हर पहेली का सही जवाब दिया है। अरे तू तो अपना सोच भागे अपना कि अब घर कैसे जाएगा? राघव, हम घर कैसे जाएंगे? पैदल। चल चलो, यकीन तो हुआ तुम्हारी बीवी को हमारे होने का? खुश हो रहा है, खुश हो रहा है ये जान के कि तुम्हें इस पर यकीन हो गया है। इस फिताल को तो ना अच्छे से मजा चखाना पड़ेगा। तेवर तो देखो अच्छे हैं, पर बुद्धि कैसी है परखना होगा। हाँ चल बता, वो क्या है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, न हिलती है न डुलती है? बता राघव बता, पूछ तेरी बीवी से। बस करो बेटा, कितनी पहेलियां पूछोगे? वैसे भी मेरे परिवार और मुझे सड़क पे लाके छोड़ दिया, कुछ नहीं बाकी हमारे पास, सब छीन लिया तुमने। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखो। इंसानियत छी, बेतालियत। हम बेताल है बेताल। चल बता, वो क्या है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, न हिलती है न डुलती है? बता राघव जल्दी से बता, पूछ तेरी बीवी से। रख लो तेरी बीवी को, बहुत ही सुंदर है। बकवास मत करो, पूछता हूं। तुम्हारे लिए एक पहेली है। वो क्या चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है पर खुद ना हिलती है ना डुलती है? इसका जवाब मांग रहा है तुमसे। ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, ना हिलती है ना डुलती है। सीढ़ियां, स्टेयर्स। राघव गजब, कमाल हो गया। क्या बात है राघव, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही बुद्धिशाली है। कलयुग में नारी सब पे भारी। क्या बात है राघव, सही जवाब। खुश हो गए ना तुम? मिल गया ना सही जवाब अपनी पहेली का? जब तक हम घर नहीं पहुंचते अपना ये मुंह बंद रखो प्लीज। अब मुझे नींद आ रही है। सो गया ये बेटा। राघव, ये मुसीबत जहां शुरू हुई थी ना वहीं खत्म होगी। हमें चल के उस राजा विक्रम को ढूंढना चाहिए। चलो, कहां मिला था तुम्हें वो? सही कह रहे, चलो। राजा विक्रम, राजा विक्रम, नीमा धीरे बोलो, कहीं ये जग गया तो पहली पूछ पूछे पता ना क्या होगा। ये और आखिर है, तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते कंधे से? पहले ट्राई किया था मैंने, एक बार फिर ट्राई करो, कोशिश करो। पापा ट्राई तो करो। शायद तुम सही कह रही हो, फिर कोशिश करता हूं। पापा क्या हुआ? राघव क्या हो रहा है तुम्हें? मीना, मेरा सिर ऐसा लग रहा है फट जाएगा। याद आया मुझे, राजा विक्रम ने कहा था अगर इसे मैंने अपने कंधे से उतारा तो मेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। रहने दो, फिर ये सब मत करो, चलो। हाँ फंस गया मैं। बहुत भूख लगी थी। सब कुछ तो छीन लिया। कहाँ छीना है अभी, बच्चा बचा है, बहुत कुछ बचा है जो है तुझे सबसे प्यारा, तेरी बीवी और तेरी बच्ची। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं।
राजा विक्रमादित्य की जय हो, राजा विक्रमादित्य की जय हो। राजा विक्रम, आप ये किस मुसीबत को मेरे गले लाद के चले गए थे और कहाँ चले गए थे आप? देखिए, मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ, मैं इतना भार नहीं ढो सकता, ये इसका वजन बढ़ता चला जा रहा है, मेरे कंधे टूट रहे हैं। राजा विक्रम, सबको छीन लिया इसने मुझसे, मेरी गाड़ी भी छीन ली इसने। प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज इसे इस मुसीबत को मेरे गले से उतार लीजिए, इसे ले जाइए प्लीज। नहीं बोलेगा ये राजा विक्रम, नहीं बोलेगा, ये बहुत ही चतुर है, बेहद चतुर है ये। चुप करो तुम। सर, आप देख रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज प्लीज राजा विक्रम प्लीज। अरे कहा ना, नहीं बोलेगा ये राजा, राजा जी कहाँ चले गए थे तुम? कब से मैं तुम्हें फोन मिला रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे हो, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? अरे मोबाइल तो इसकी पहेलियों की वजह से ना। अच्छा, लेकिन तुम गए कहाँ थे इतनी देर से? हाँ, वो मिल गया। कौन वो? Oh my God, राजा विक्रमादित्य। कहाँ? कैसे? एक 5-स्टार होटल में दिखा मुझे। और तुम ऐसे आ गए? सुनने क्यों आना चाहिए था ना राघव? अरे पागल हो गया, मैंने पूरी कोशिश की, उसके सामने बातें करी, उसको सब सच बताया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला, बिल्कुल चुप। क्यों? तुम्हें इनकी कहानी नहीं पता क्या? कहानी? तू बोला मैं चला, कभी सुना नहीं, टीवी में नहीं देखा, बचपन में किताबों में नहीं पढ़ा। तुम बता दो। रीना, कहानी ये है कि अगर राजा विक्रम ने अपना मुंह खोला, कुछ भी कहा, तो ये बेताल मेरे कंधे को छोड़ के एक पेड़ पे जाके लटक जाएगा, वो भी उल्टा। फिर उसी राजा विक्रम को जाना पड़ेगा इसे पेड़ से उतारने के लिए, और फिर उसके कंधे पे बैठ के ये इसका वही पहली जवाब हजारों साल से ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसलिए उसने मुंह नहीं खोला। और इसलिए उसने अपनी आफत तुम्हारे कंधे डाल दी। वेरी इंटेलिजेंट। एंड ऑब्वियसली अब वो इस आफत को दोबारा अपने सिर तो लेगा नहीं, पर हम क्यों लें उसकी आफत अपने सिर या कंधे? अरे मैं क्या जवाब दूँ इसका, मुझे खुद इसका जवाब नहीं पता, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है रीना, और ऊपर से सब कुछ खा गया ये, इतना भार बढ़ गया कि मेरा चलना मुश्किल हो रहा है। राघव, एक बात तो क्लियर है। क्या? इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें उस राजा विक्रमादित्य का मुंह खुलवाना पड़ेगा, उसे बुलवाना पड़ेगा। वाह, ये तो मैं भी जानता हूं, पर कैसे? 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 अब क्या कर रही हो? रुको ना, मैं उस राजा विक्रमादित्य के बारे में नेट पे सर्च कर रही हूँ। ईसा से 150 वर्ष पूर्व ये कोई राजा विक्रमादित्य हुए थे, अपने पराक्रम, साहस और दया के लिए माने जाते थे, और किसी ऋषि को इन्होंने 3 लाख सोने की मुद्राएं। क्या लिखा है 3 लाख? क्या काम हो सकता है राघव? तुम एक काम करो, मुझे उस राजा विक्रमादित्य से मिलवा दो। ऑफ कोर्स ले जा सकता हूँ, मुझे पता है किस होटल में, अगर वहाँ हुआ तो मिलवा दूंगा, पर तुम उसका मुंह कैसे खुलवाओगे? मुझे मिलवाओ तो एक बार, लेट मी ट्राई, अभी चलो, टाइम मत वेस्ट करो। रिंकी को उठाओ। हम कहीं चलो, हाँ चुप चाप चलो। जाने की है तैयारी, अभी तो है पहेली की बारी। पता राघव पता, कौन सी चीज है ऐसी जो है शीशे से भी पतला, नाम लेते ही टूट जाता है? प्लीज बेताल, हमसे इस वक्त कोई पहेली मत पूछो, हमें जाने दो।
कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक के मेरी पहेली नहीं सुन जाएगा। रीना, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, पक्का मैं चलो। नहीं, बताओ क्या पहेली इसकी, मैं जवाब दूंगी। पूछने तो ऐसे जो पूछना है, मुझे बताओ बताओ। जवाब दे जवाब, अगर नहीं दिया जवाब तो होगा तेरा नुकसान। तू रोएगा, बिलबिलाएगा, बहेगा आंसुओं का सैलाब। दे जवाब, बोल मेरी पहेली का जवाब। रीना चलो। नहीं राघव, फिर कोई नुकसान होगा, मैं और नुकसान नहीं झेल सकती। पूछो इससे क्या पहेली, पर ट्राई करने में क्या जाता है। तो ठीक है करो ट्राई, शीशे से भी पतला नाम लेते ही टूट जाता है। अब सुलझाओ। शीशे से भी पतला नाम लेते ही टूट जाता है, मुझे नहीं लगता मुझे आता है राघव। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा था ना, चलो यहां से चलो। रिंकी, राघव रिंकी नहीं है, रिंकी, राघव रिंकी नहीं है यहाँ। रिंकी, राघव रिंकी को कुत्ते ही बोला चाहिए। हमारी रिंकी कहाँ है, साफ साफ बताओ हमारी रिंकी कहाँ है। हमारी हमारी बेटी को हमसे दूर मत ले जाओ। रिंकी कहाँ है, रिंकी, रिंकी, तुम कुछ भी करो रिंकी को वापस लेके आओ। जवाब तो देना ही पड़ता है। देखो देखो बेताल, हमारी रिंकी हमें लौटा दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, हमारी रिंकी लौटा दो। प्लीज हमारी बच्ची को वापस कर दो, हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देंगे। प्लीज प्लीज, एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा मत करो। तो भला है भोला है, इसलिए रियायत देता हूँ तुझे, क्योंकि तूने मेरा सत्कार किया है। मोहलत देता हूँ 2 घंटे की, पूरे 2 घंटे की। अगर पहली का जवाब दे दिया तो लड़की वापस, नहीं तो उसे हमेशा के लिए भूल जा। नहीं नहीं, 2 घंटे में क्या होगा, क्या होगा 2 घंटे में। मेरा विश्राम। बेताल बेताल बेताल, ये तो सो गया। राघव 2 घंटे हैं हमारे पास, हमें इन्हीं 2 घंटों में ऐसे भी करके विक्रम को ढूंढना है, और बस वही एक जरिया है रिंकी को बचाने का और इससे पीछा छुड़ाने का। चलो जल्दी करो। वो पहेली का जवाब, उसे मत भूलना। रास्ते में सोचेंगे सोचेंगे, पर अब अभी प्लीज चलो जल्दी करो। रीना, गलती से भी कुछ और मत सोचना, ये सोच भी पढ़ लेता है। ठीक है चलो। ओहो, राजा विक्रम से मिलने आए हो, हाँ? कोई फायदा नहीं है। राजा विक्रम, राजा विक्रम, राजा विक्रम, रुकिए, मैं जानता हूँ आप ही हैं। राजा विक्रम, देखिए हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। राजा जी, हमारी 5 साल की बच्ची को इस बेताल के बच्चे ने गायब कर दिया है। बेताल का बच्चा? इस बेताल ने, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आप हमारी मदद कर सकते हैं राजा जी, कुछ भी करके। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। कोई फायदा नहीं है, 2 घंटे बीतने में केवल 2 मिनट रह गए। राजा जी कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए। महाराज विक्रमादित्य, आप अपने आप को महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आज हमारी स्थिति आपकी वजह से है। हमने तो सुना था महाराज विक्रमादित्य दया और दान की मूर्ति है, आज तक उन जैसा दानवीर कोई नहीं हुआ। वो तो इतने दयालु थे कि उन्होंने एक बार में एक गरीब ब्राह्मण को 3 लाख सोने की अशर्फियां दे दी थी, कि उन्होंने एक ऋषि को आश्रम बनाने के लिए 2 लाख सोने की मुद्राएं यूं ही दे दी थी। आज मेरे पति आपके सामने भीख मांग रहे हैं, आज हमारी स्थिति आपकी वजह से है, और आप उत्पन्न के खड़े, आपके अंदर का महाराज विक्रमादित्य मर गया। आप महाराज विक्रमादित्य कैसे हो सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं आपकी वजह से एक युवक ने अपना रोजगार खो दिया, हमारा परिवार खत्म हो गया, तिनके तिनके करके हमने जो घर बनाया था वो लूट गया। एक माँ एक बच्चे की भीख मांग रही है और आप अपने स्वार्थ में बुत बन के खड़े हैं।
तो बहुत ही चतुर है, चतुर, बेहद चतुर है। या तो आप महाराज विक्रमादित्य नहीं है या कलयुग में आके आप भी स्वार्थी हो गए। आपके अंदर का महाराज विक्रमादित्य दयावान दयालु मर चुका है और आप भी अपने स्वार्थ में धुत हो चुके हैं। बस बस करो देवी, मैं ही राजा विक्रमादित्य हूं। हाँ मैं ही। बेताल वापस कर इनका सब कुछ, वापस कर, लौटा इनकी बेटी तुरंत, इसी वक्त लौटा। ऐसे कैसे छोड़ दूं न्याय सम्राट, आप तो जानते ही हैं कि मेरे भी अपने कुछ नियम हैं। और पहेली का जवाब दिए बगैर। क्या है तुम्हारी पहेली, बताओ हमें। हाँ तो बता विक्रम, वो कौन सी चीज है जो है शीशे से भी पतली पर नाम लेते ही टूट जाती है। बता विक्रम बता। बताइए बताइए राजा विक्रम। बोलिए विक्रमादित्य, बोलिए महाराज, बोलिए प्लीज बोलिए। शांति, यहाँ की भाषा में खामोशी। सही जवाब। तो ये ले तेरी बेटी। मम्मा। रिकी। 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 बेटा। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ? छोड़ दे इसको। चले जा तू यहाँ से। विक्रम, तू बोला और मैं चला। अब मुझे वापस बेताल को लेने उस पेड़ तक जाना होगा। मुझे क्षमा करना मित्र, मैं तुम पर बेताल को लादना नहीं चाहता था, परंतु जिज्ञासावश ऐसा करना पड़ा। मैं युगों से बेताल को लिए चला जा रहा हूँ, कलयुग कैसा है सोचा रुक कर देख लूँ, निर्विघ्न बेताल के बिना। फिर तुम मिल गए तो क्षमा करना। वैसे ये युग भी बड़ा विचित्र है, यहाँ सब लोग जरूरत और लालच के पकड़ में जकड़े हुए हैं, जीवन के आनंद से वंचित, ना ही चैन है ना आराम, बस भागे जा रहे हैं। तुम लोग ऐसा मत करना, इस जीवन को इत्मीनान से जीना, क्योंकि ये जीवन एक ऐसा मार्ग है जिसमें कई मील पत्थर है, केवल अनंत की ओर जाता है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे।